कई सारी चीजें हैं जिनके जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं बन पाया है। इस बीमारी में इंसान सारी चीजें भूलने लगता है और धीरे धीरे ब्रेन काम करना बंद कर देता है। एक थ्योरी ये बताई जाती है कि कई सारे प्रोटीन इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे मेलॉट कहते हैं। इसी वजह से यह बीमारी होती है, लेकिन जो ड्रग्स है मेलॉट को ठीक करने में काम आता है, वो ड्रग अल्जाइमर को ठीक नहीं कर सकता है। और ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। दूसरा है स्लाइम मोल्ड। ये देखने में एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके साथ ये काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है। इन्हें सिंगल सेल ऑर्गेनाइज हम भी कहा जाता है और अलग अलग स्लाइम मोल्ड मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेते हैं और कठिन से कठिन मेस फसल, जिसे हिंदी में भूलभुलैया भी कहा जाता है, यह आसानी से पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं और खुद की सोच रखने की क्षमता भी रखते हैं। हम स्लाइम मोल्ड के बारे में तब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि इनके पास एक भी ब्रेन सेल नहीं है। तीसरा है बॉल लाइटनिंग। पिछले कई सालों में हवा में तैरती हुई लाइट की बॉल देखी गई है। कुछ साइंटिस्ट इसके पीछे ये थ्योरी बताते हैं कि जब बिजली मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी में मौजूद सिलिका और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लाइटनिंग बॉल का फॉर्मेशन करती है, और ये नहीं बताया जा सकता कि ये कब दिखेगा। अभी इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है और यह कई सालों से मिस्ट्री बना हुआ है। जब आप समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे तब एक समय ऐसा आएगा जहां पर लाइट भी नहीं पहुंच पाती है, और 200 मीटर नीचे के सरफेस को ट्वाइलाइट जोन कहते हैं, जहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और इसी के साथ हमें नहीं पता चलता कि समुद्र की गहराइयों में क्या छुपा है। ऐसा माना जाता है कि जितनी फिशेज यहाँ ऊपर पाई जाती है उससे कई गुना ज्यादा ट्वाइलाइट जोन में रहती है। फिर आती है हमारी सोल। आखिर ये किससे बनी है, ये होती भी है या नहीं, किस समय हमारे शरीर में बनती है। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास नहीं है।